बैग में 2000 रुपए थे मेरे। मुझे नहीं पता। नहीं पता? अरे घर में हम दोनों के अलावा और कौन रहता है जिसको जाके मैं पूछूं? हाँ हाँ ठीक है, मैंने ही लिए थे। हाँ तो बता कर लेना चाहिए था ना, इसमें चोरी करने की क्या जरूरत है। ओ क्या क्या कर क्या रही हो तुम? अरे क्या करोगी इतने पैसों का, बोलो मैं कुछ पूछ रहा हूँ। मैं नहीं बताऊंगी। अरे वॉलेट है मेरा, कमाते तब इसमें पैसे आते हैं, एटीएम नहीं है कि मन चाह जब पैसे निकाल लो। हो गया तुम्हारा, चलो बाय। सुनो मुझे 5000 दो ना जरा। 5000 क्यों चाहिए मुझे, तुम दे नहीं सकते क्या? दे सकता हूँ, बिल्कुल दे सकता हूँ, पहले मुझे वजह बताओ कि क्यों चाहिए। चाहिए मतलब चाहिए बस। चाहिए वो तो मुझे भी पता है, पहले वजह बताओ कि क्यों चाहिए। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? कल भी तुमने मेरे वॉलेट से 4000 रुपए निकाले थे और जब पूछा तब भी नहीं बताया कि क्यों चाहिए, क्या लेना है। पर आज चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे जानना है आखिर तुम्हें पैसे क्यों चाहिए। मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम मुझे पैसे दोगे या नहीं? दूंगा ना, 5000 चाहिए ना तुम्हें, मैं 10 दूंगा, लेकिन मुझे बताओ आखिर तुम्हें पैसे क्यों चाहिए। मैं बीवी हूँ तुम्हारी, कोई नौकरानी नहीं जो हर वक्त हर चीज का हिसाब देती रहूं। अरे बच्चों को भी उनकी पॉकेट मनी मिलती है, यहाँ तक कि जेल के कैदियों को भी उनकी मेहनत की कमाई दी जाती है, लेकिन एक हाउसवाइफ की हालत बच्चों कैदियों कामवाली से भी गई गुजरी होती है। तुम ठहरे पति, तुम तो यही बोलकर काम पर चले जाते हो कि सब तुम्हारा ही है, तुम्हारे ही खर्चे उठाते हैं, लेकिन इन सब चीजों से कोई पैसे नहीं मिलते हमें। फालतू का सब ड्रामा कर लिया तुमने, पर मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि तुम्हें पैसे क्यों चाहिए। एक बात कान खोलकर सुन लो, जब तक तुम मुझे वजह नहीं बताओगी तब तक मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी तक नहीं देने वाला, आज क्या इसके बाद भी नहीं दूंगा, और पिछले पैसों का भी हिसाब मुझे आज चाहिए। अच्छा तुम भी कान खोलकर सुन लो, आज से मैं नौकरी करूंगी, मैं पैसे कमाऊंगी, इस घर के साथ साथ तुम्हारा सारा खर्चा उठाऊंगी, तुम्हें जो चाहिए वो ला कर दूंगी, लेकिन तुम मुझसे एक पैसा भी नहीं मांगोगे और ना ही हिसाब पूछोगे। पागल हो गई हो क्या या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, कुछ भी बके जा रही हो। पागल नहीं भिखारी हो गई हूँ, छोटी छोटी चीजों पे तुमसे पैसे मांगने वाली भिखारी बना दिया है तुमने मुझे। देखो मेरा दिमाग खराब मत करो, जाकर अपना काम करो। रुको, हिसाब मांग रहे थे ना तुम कि पैसे कहाँ खर्च किए, 1500 काम वाली को दिए, 500 कूड़े वाले को, और आज जो 5000 मांग रही थी वो गैस की पाइप और गीजर की रिपेयर के लिए मांग रही थी, अपने लिए नहीं मांग रही थी मैं। और हाँ अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें हर महीने मुझे 20000 देने पड़ेंगे, और तुम मुझसे ये नहीं पूछोगे कि मैं उन्हें कहाँ खर्च कर रही हूँ और कहाँ नहीं, जहाँ मेरा मन करेगा मैं वहाँ खर्च करूंगी, और जो पैसे बच जाते हैं मैं उन्हें उड़ाती नहीं हूँ, उन्हें सेव करती हूँ ताकि वो मुसीबत के वक्त में काम आ सके।